धमतरी विधायक श्रीमती रंजना साहू नवरत्न ग्राम डूमा में भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठित समाज ही करता है मजबूत राष्ट्र का निर्माण। उन्होंने कहा कि आज के दौर से हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने राज्य एवं राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसके लिए सामाजिक धरातल एक सशक्त नींव का कार्य कर सकती है। विधायक रंजना साहू ने ग्राम डूमा में आदिवासी नागरची समाज के भवन के लिए भूमि पूजन किया। अध्यक्षता पवन कुमार महमल्ला ने की। श्रीमती जानकी साहू जनपद सदस्य सरपंच मोतीराम नागरची एवं सरपंच जुनवानी राकेश साहू फलेश साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैं मोतीलाल नागरची जिला नवरत्न एवं सरपंच ग्राम पंचायत डोमा। आज के यह कार्यक्रम महती कार्यक्रम था। हमारे ग्रामीण जो समाज हैं और परिक्षेत्रीय समाज के द्वारा यह मांग किया गया था कि जब कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो एक सुनिश्चित स्थान, सुनिश्चित आवास, सुनिश्चित भवन की एकाग्रता होना जरूरी है। उसी मांग के अनुसार नगारची भवन और मानिकपुरी भवन का भूमि पूजन का आज आवरण किया गया है, जिसमें हमारी धमतरी विधानसभा की विधायिका महोदया श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी द्वारा भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे ग्राम के समस्त ग्रामीण जन माता बहनें उपस्थित थे। साथ ही हमारे नगारची समाज के प्रदेश संरक्षक संतोष मरकाम जी, हमारे नगारची समाज के अध्यक्ष रामनारायण जी, सहदेव जी, मोहन जी एवं नगारची समाज के सचिव शेखर मानिकपुरी जी, सुरेश मानिकपुरी जी, साथ ही कुमार साहू। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का मानिकपुरी समाज और आदिवासी समाज का भूमि पूजन था, उसमें हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रत्येक वर्ग को फ़ायदा मिलेगा इसमें। गांव में एक रूपता का परिचय भी आता है और गांव भी संगठित रहता है। अच्छा, मैं संतोष कुमार मरकाम ग्राम डोमा। आज ग्राम डोमा में नगारची समाज और मानिकपुरी समाज का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। इसमें विधायिका मैडम श्रीमती रंजना साहू जी उपस्थित थी, उन्हीं के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 6.5 लाख शायद है एक जो भवन है, तो 2 भवन 13 लाख करीब। अभी मांग तो फिलहाल नहीं की है, मांग तो चलते ही रहता है, बाद में देखेंगे।